आलियान, एक तो तुम्हारी तस्वीर है, दूसरी किसकी है? हाँ ये तो मैं हूं और ये मेरा छोटा भाई है। बचपन में किसी ने इसे किडनैप कर लिया था। मैं बहुत छोटा था, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। आई एम सॉरी आंटी। लो फिर आ रहे, या तो एक तुम्हारी चक्कर में या दोनों ही, फिर या तो एक का दिमाग खराब है या दोनों का। अकेलापन और अंधेरा मेरे अंदर उतर गया है। लोग लोग हंसते भी हैं, रोते भी हैं, लेकिन मुझे मुझे ना हंसी आती है ना रोना। तुम्हें मैं हंसना सिखाऊंगी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं दूसरी माँ की बात कर रही हूँ। दूसरी माँ? मेरी तो एक ही माँ है, उसी को मैंने पहचाना है, उसी की गोद में पला बड़ा हूं। उनसे मैंने मोहब्बत करनी सीखी है, प्यार करना सीखा है। आप किस मां की बात कर रही हैं? मैंने जरूर कोई नेकी की होगी जो तुम जैसा बेटा मिला है मुझे। और अगर मैंने उसे ठीक कर दिया तो क्या इनाम देंगी? मुंह मांगा इनाम दूंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाय बाय। डैडी आइए। मुझे बताते क्यों नहीं, क्या हो रहा है? मम्मी कुछ नहीं है। मम्मी वो देखिए ना, वो डॉक्टर है, उनके इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहां मरीज आते जाते रहते हैं और वो भूल जाते हैं। मम्मी इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। आप परेशान क्यों होती हैं? डॉक्टर की बीवी हूँ, डॉक्टर की माँ हूँ, सब जानती हूँ, परेशान कैसे ना हूँ? मम्मी प्लीज चीयर अप। Thank you.
इस दफा तो भाई साहब बहुत ही दिनों के बाद आए हैं आप। इतने इतने दिनों के लिए चले जाते हैं, लगता है बहन को बिल्कुल भूल गए आप। बहन भी कोई बोलने वाली चीज है, तुमको फोन तो मैं हर हफ्ते करता हूँ। हाँ फोन तो करते हैं, लेकिन आपको तो पता है भाई साहब मैं मसरूफ रहना चाहती हूँ। सुबह से शाम तक काम करती हूँ, थक के सो जाती हूँ। इस तरह मुझे पुराने ख्वाब परेशान नहीं करते। जो मिल गया उस पर खुदा का शुक्र करो, और जो खो गया उस पर सब्र करो। कब तक उसे याद करती रहोगे और अपने आप को दुखों में डालती रहोगे? नहीं भाई, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया उस पर तो मैं हजारों शुक्र करूं तो भी कम है। चलें, मैंने आपके लिए चाय बना के रखी थी, अब तो ठंडी भी होगी। एक कप चाय तो और पी लें भाई, सर्दी हो रही है। और बिस्किट तो लें, आपने तो लिए ही नहीं बिल्कुल। नो वे, मैं खा लूंगा, आज ही तो नहीं मैं चला जाऊंगा। भाई साहब अब आपको वहां वाले स्टोर का ज्यादा ख्याल रहता है, यहाँ का स्टोर आपने मुझ पे छोड़ दिया। हफ्ते भर से पहले मैं आपको नहीं जाने दूंगी बस। अच्छा भाई, जैसे आपकी मर्जी। क्या बात है भाई साहब, कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नहीं, आपका चेहरा कुछ और कह रहा है, लफ्ज कुछ और कह रहे हैं, कोई बात है जरूर, कम से कम मुझे तो बताएं। सादिया, मैंने एक बात सुनी है, उसकी वजह से कुछ फिक्र सी हो गई है। क्या बात? मेरा एक दोस्त वहीं रहता है जहां अपना दानियाल रहता है। क्या हुआ है दानियाल को भाई साहब? मेरा दोस्त कह रहा था कि वो हॉस्पिटल गया था किसी काम से, उसने वहां दानियाल को देखा था। हाँ हाँ भाई, जरूर देखा होगा, उसका बेस्ट फ्रेंड आलियान डॉक्टर है वहीं पे उसी हॉस्पिटल में। मेरा दोस्त कह रहा था कि उसने दानियाल को व्हील चेयर के ऊपर देखा था और नर्स उसे लेकर जा रही थी। क्या? नहीं नहीं भाई साहब, नहीं, नहीं, नहीं। सादिया सादिया, क्या पागलपन है ये? मैं तो तुमसे ये पूछ रहा था कि तुमने दानियाल से 2-3 दिन पहले बात की थी या नहीं। मैं तो हर हफ्ते फोन करती, आप बताएं तो सही, हुआ क्या उसे? आपके दोस्त ने बताया तो होगा भाई साहब, बताएं वरना मेरा दिल बंद हो जाएगा। ये क्या हमाकत है, उसने दानियाल को सिर्फ कुर्सी पर बैठे हुए देखा था, और मेरा दोस्त ये भी कह रहा था कि बीमार नहीं लग रहा था। लेकिन जाहिर है परेशानी तो होगी, मैंने खुद फोन किया था, वो कहीं बाहर गया हुआ था। मैं फोन करूंगी उसे। हाँ हाँ, तुम टेलीफोन करके दिल की तसल्ली कर लो, अगर वो आज भी ना मिला तो कल मैं वहां पहुंच जाऊंगा। मैं भी चलूंगी आपके साथ। हाँ हाँ, फिर रोए तो नहीं ना। खूबसूरत मंजर है, जी चाहते कि आंखों में रख लो। आप इस तरह ही मदद करती हैं क्या? मैं सूरज को आंखों में समेट रही थी। यहाँ का सूरज बहुत खूबसूरत है। अरे अरे बस करें, इतना बहुत सारा सूरज तो समेट लिया आपने आंखों में, अब थोड़ा सा सूरज बाकी दुनिया के लिए भी रहने दें, क्या ख्याल है? हेलो दानियाल। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। तुम बताओ तुम कैसे हो?
आपका क्या मतलब? मैं हमेशा से अच्छा हूँ अम्मी। मैंने सुना है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी जान, ये खबर किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। दानियाल भाई को किसी ने फोन करके बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम हॉस्पिटल में हो और व्हीलचेयर पे हो। ओहो अम्मी जान, लोग तो मजाक का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। वो सिर्फ मजाक था। दानियाल, मैं मर जाऊंगी अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। अम्मी प्लीज, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आपकी कसम, वो सिर्फ मजाक था। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? मैं कई दिनों से फोन कर रही हूँ, भाई साहब भी फोन कर रहे हैं। मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? पहले कभी बोला है मैंने? तो अब क्यों बोल रहे हो? हॉस्पिटल क्यों गए थे? अम्मी प्लीज, मजाक था वो। अगर आप चाहें तो मैं हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात करवा दूं आपकी। हाँ, डॉक्टर का नंबर दो, मुझे तुम्हारी बात का एतबार नहीं है। वल्ला अम्मी, आपने मेरी औकात जो है ना, दो आने की कर दी। अपने बेटे पे आपको एतबार नहीं है और पराए डॉक्टर पे है। अच्छा नंबर लिखिए प्लीज। हेलो डॉक्टर आलिया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आप मुझे नहीं पहचानते लेकिन मैं आपको पहचानती हूँ। मैं दानियाल की अम्मी बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको जानता हूँ। दानियाल तो हर वक्त आपकी बातें करता रहता है। बेटा मैं भी आपके बारे में इतना सुन चुकी हूँ कि अब आपको देखते ही पहचान जाऊंगी। माएँ अपने दोस्तों को, बच्चों को बहुत प्यार करती है, मैं ये जानता हूँ क्योंकि मैंने भी अपनी माँ को यही करते हुए देखा है। आलियान बेटा, अगर आपसे कुछ पूछूं तो सच सच बताएंगे? अरे आप सिर्फ हुक्म दें, क्या पूछना है आपने? दानियाल ठीक है ना? हाँ आंटी, वो दानियाल मुझे कल ही तो मिला था, बिल्कुल ठीक है वो। अलबत्ता आज खैरियत तो है? नहीं, वो मुझे किसी ने कहा था कि उसका शायद एक्सीडेंट हुआ है, व्हीलचेयर पर है, हॉस्पिटल में रह के आया है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। अरे आंटी, ये खबर आप तक कैसे पहुंच गई? देखा, कुछ हुआ था ना, इसीलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। अरे आंटी, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं बहुत परेशान हूँ। देखो बेटा, मेरे नर्व्स इस काबिल नहीं है कि मैं कुछ और बर्दाश्त कर सकूं। देखिए आंटी, अगर आप दानियाल की अम्मी हैं तो मेरी भी अम्मी है। He's perfectly okay. एक दिन ऐसे हुआ था कि वो व्हीलचेयर पर बैठकर हॉस्पिटल आ गया था, वो भी मजाक में, और उसे किसी ने देख लिया होगा और आप तक खबर पहुंचा दी। He's perfectly okay. There's nothing wrong with him. आलियान बेटा, तुमने अभी मुझे माँ कहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा दिल रखने के लिए ये सब कुछ कह रहे हो? नहीं आंटी, अगर उसे कुछ हुआ होता तो मैं आपको सच सच बता देता, चाहे से आपको ये मुझे तकलीफ ही क्यों ना होती। और ये बात मैं इसलिए आपसे स्ट्रॉन्गली कह रहा हूँ कि इस सिचुएशन से मैं खुद गुजर चुका हूँ। बस बेटा, तुम्हारी बातें सुन के यकीन भी आ गया और दिल को बहुत तसल्ली हुई है। आंटी आप खुद क्यों नहीं आ जाती, आकर देख लीजिए उसे। मेरा आना तो जरा मुश्किल होगा, लेकिन दानियाल से कहूंगी कि वो आ जाए, बल्कि तुम भी कह देना मेरी तरफ से। आप फिक्र ना करें, मैं उसे जल्दी आपके पास भेजूंगा। तुम मुझ पे बड़ा एहसान करोगे बेटा। बेटा भी कह रही है और एहसान की बात भी कर रही है। माओं के लिए कोई बेटों का एहसान नहीं होता, फर्ज होता है। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। अब तो खुश है ना? हाँ, अब मुझे यकीन आ गया। बेटा उसके साथ आना ना तुम भी। मुझे छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन जब भी मिलेगी आपको मिलने जरूर आऊंगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो, मे आई स्पीक टू दानियाल प्लीज? हाँ हाँ बोल रहा हूँ। माय डियर डॉक, मुझे एक लड़की के फोन का इंतजार था। तुम कहाँ से आठ अपके? ये कौन सी लड़की है? अब नंबर तो मुझे याद नहीं। वैसे भी माय डियर डॉग, जो लड़कियां होती हैं ना, ये हवा के ताजा झोंके की तरह होती हैं, आती हैं और चली जाती हैं। जिस तरह तुम जिंदगी को नॉन सीरियस ले रहे हो, कहीं जिंदगी भी तुम्हें नॉन सीरियस ना ले ले। माय डियर डॉग,
जिंदगी को कड़वी दवा समझने के लिए आप काफी हैं। मैं कहता हूँ इसको सीरियस लेने की जरूरत क्या है, ये सारा खेल ही नॉन सीरियस है यार। दो दिन के लिए आए, हंसते खेलते छेड़छाड़ करते चले जाएं, खराबी क्या है इसमें? खराबी ये है कि इसी छेड़छाड़ ने तुम्हारी मम्मी को परेशान कर दिया है। अभी उन्हीं का फोन आया था। ओह माय गॉड, तुमने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया होगा? नहीं, मैंने तुम्हारी इज्जत रख ली है। थैंक यू माय डियर डॉग। अच्छा सुनो, तुम कुछ दिनों के लिए उनके पास चले जाओ। ओके बॉस। और सुनो, मैंने उनसे वादा किया है कि मैं तुम्हें फौरन भेजूंगा धक्के देकर। वाह वाह, क्या दोस्ती है, भड़का दिया ना मेरी माँ को। अब वो दिन रात फोन करेंगी कब आ रहे हो, कब जा रहे हो। माफी चाहता हूँ, बहुत ही फजूल इंसान है आप, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। खुदा हाफिज। सबा सबा जल्दी आओ सबा। क्या हुआ, कोई बुरी खबर थी क्या? नहीं। तो फिर ऐसे क्यों चला रही थी? कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा है या कोई भूत नजर आ गया है? सबा सबा जस्ट कम हियर, सिट डाउन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब क्या हो गया? बहुत खतरनाक बात है, इट्स शॉकिंग, एब्सोल्युटली शॉकिंग। किसका फोन था? एक किडनैपर का। किसका? किडनैपर का फोन था? कोई तुम्हें किडनैप करने आ रहा है, जल्दी करो, पुलिस को फोन करो। आई कांट। उसने तुम्हें कोई धमकी दी है क्या? उसने कहा है कि 28 अप्रैल को वो किडनैप कर लेगा। पागल हो गई हो क्या? अभी पुलिस को फोन करो। कौन है वो? अरे वो जो भी है, वो 28 अप्रैल को किडनैप करने आ रहा है। अरे मजाक है कोई, सारी उम्र जेल में सड़ेगा वो। वो तो तैयार है इसके लिए भी। ओफो, क्या मुसीबत है, तुम सीरियस क्यों नहीं होती? प्लीज मुझे फोन दो, मैं फोन करती हूँ पुलिस को। अरे भाई मेरे सीरियस होने से क्या होता है, वो लड़की खुद ही सीरियसली किडनैप होने के लिए तैयार है। कौन सी लड़की, ये लोप होने वाला किस्सा तो नहीं है? नहीं, वो बुजदिल नहीं है, वो सब के सामने जाएगी। मायू, मेहंदी, शादी सब होगी। यस मिस्टर बाकमर, ये आपकी अम्मी का फोन था, आपकी शादी की डेट तय हो चुकी है 28 अप्रैल। वो जो राहील साहब है ना, कनाडा वाले, कुछ याद है? वो आ रहे हैं आपकी बारात लेकर। चलो सामान बांधो भाई, चलो घर वापस जाना है, लेट्स गो। चलो कनाडा से आ रहा है क्या? कुछ नहीं लाएगा, फकीर है। You know, I don't like this जहेज business. अच्छा जी, जब तुम्हारी शादी होगी ना तो मैं देखूंगी। देख लेना, साफ कह दूंगी मम्मी से, एक पैनी का जहेज नहीं लूंगी, जिसको करना है करे, नहीं करना ना करे। अच्छा ईशा, वेरी थर्ड नाइट, चलो कहीं जाकर चाय पीते हैं। कहीं क्यों, सब और इशारे मैं कहीं ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हुआ कि आप आ गए, हमारे तो पैसे बच गए। माय प्लेजर। आप लोग कुछ खाएंगे तो नहीं ना? जी नहीं, हम वैसे भी शॉपिंग करके आ रहे हैं, बहुत थक गए, सोचा कि यहाँ के चाय पी लें। बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई, मैं एक हफ्ते के लिए जा रहा हूँ अपनी अम्मी से मिलने। अच्छा, हम भी यहाँ से जा रहे हैं, पता है क्यों? इसलिए कि मैं जा रहा हूँ। जी नहीं, यू टू कंसीटेड। वो एक्चुअली हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि क्योंकि सबा की शादी है। बहुत मुबारक हो आपको, आपने बताया नहीं, हम लोग तो दुआएं देकर रुखसत करते हैं आप। नहीं नहीं, मैं आपको फोन करके बताती, आपको बाकायदा दावत देती कि आप जरूर आइएगा। वैसे भी वहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं और इसकी जो बारात है वो कनाडा से आ रही है, और मैंने सुना है कि वो बहुत सारे लोग हैं,
हम तो मुकाबले में हार जाएंगे। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है आप हार जाएं, मैं हूंगा, कैसे हार सकते हैं? अब ये बताइए कि आपने डॉग को बताया? बस आप कह दूंगी। अच्छा तो ये तय है कि हम दोनों आ रहे हैं, आप लोग बैठे, मैं आप लोगों के लिए सिर्फ चाय लेके आता हूँ। याद रखिएगा पैसे नहीं देंगे हम। नहीं मुझे उम्मीद। जल्दी उठ गए? मैं देर तक कब सोता हूं? आप भी भूलने लगेंगे। इस बात का जिक्र ही ना करें, मुझे बहुत डर लगता है। आप आइए बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। सिर्फ एक कप कॉफी बना के लाइए, पहले यहाँ इत्मीनान से बैठिए, मेरी बात सुने, ठीक? आप इस बात से बहुत परेशान हैं ना कि मैं भूलने लगा हूं। देखिए बात दरअसल यह है कि मेरी जिंदगी में बहुत सी उलझने हैं, बहुत सी टेंशन्स हैं, कुछ अपनी जॉब की फ्रस्ट्रेशन्स होती हैं, कुछ आप तो जानती हैं कि एक सर्जन की जिंदगी में कितनी टेंशन्स होती हैं, पूरी एक जिंदगी का मसला होता है उसके सामने। उसमें बज़ाहिर तो इन चीज़ों के असरात का पता नहीं चलता, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत तोड़ फोड़ होती है, बहुत तबाही फैलती है। अब दरिया का बहाव किनारे तो काटता है ना। बहलाइए मत मुझे, भूलना और बात है, मैं भी बहुत सारी बातें भूल जाती हूँ, लेकिन आपका इस तरह भूलना मेरी कुछ समझ में नहीं आता। वैसे मेरे हर काम में शिद्दत होती है ना, इसमें भी है। आप किसी स्पेशलिस्ट को क्यों नहीं दिखाते? दिखा रहा हूं, आलिया ने अपॉइंटमेंट लिया है परसों, जा रहा हूं मिलने के लिए उसे। छोड़िए चाहिए इन सब बातों को, आपको तो नहीं भूलता ना। मैं आपको भूलने भी नहीं दूंगी, क्योंकि सारी दुनिया भुलाकर मैं आपकी दुनिया में आई हूं। चलिए उठिए जल्दी से, नाश्ता बनाइए, शाबाश, भूख लग रही है। कुछ thank you.
हेलो बेटा कॉफी। थैंक यू। ईशा मैं तुम्हें मना नहीं कर रही, तुम जाओ अपनी सहेली की शादी पर, जरूर जाओ, मगर मेरा ख्याल है तुम्हारी पढ़ाई का खर्च होगा। मामा थोड़ा सा ही तो होगा, वो मैं पूरा कर लूंगी। मैं कभी पहले फेल हुई हूँ? नहीं। तो बस इस बार भी नहीं होंगी, लेकिन मम्मी मैं उसकी शादी में जरूर जाऊंगी। यू नो दैट आई एम डाइंग टू गो देयर मम्मी। सबा बेलफास्ट में रहती है ना? जी मम्मी, एंड आई हर्ड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। मगर ईशा वो बहुत दूर है। कम ऑन मामा, आई एम गोइंग बाय एयर, कौन सा मैं पैदल जा रही हूँ। वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? शायद मैं तुम्हें वहां भेजना नहीं चाहती। क्यों? I have reasons, valid reasons. What reasons, mummy? सबा के घर ना भेजने के क्या reasons हो सकते हैं? सबा के घर की बात नहीं है, उस शहर में ना भेजने के मेरे अपने कुछ reasons हैं। And I'm not quite sure if I should tell you or not. Why, mummy? हमने तो हमेशा से हर बात शेयर की है, ये कौन सी बात है जो आप मुझसे शेयर नहीं कर सकती? प्लीज मम्मी, आई वॉन्ट टू नो। लेट मी थिंक अबाउट इट, गिव मी सम टाइम बेटा। ओके। ईशा अगर तुम नहीं जाओगी तो बहुत उदास होगी। नहीं मम्मी, मैं उदास उदास नहीं होती, लेकिन मम्मी मेरा बहुत दिल चाह रहा है वहां जाने का। सब और मैं प्राइमरी स्कूल से साथ हैं, और वो इतने दूर से मुझे बुलाने आई है। इफ आई डोंट गो शी विल बी वेरी हर्ट। ओके, आई विल लेट यू नो। व्हेन? आज रात को। मेरा नाम बशीर है। गुड मॉर्निंग। मैं यहीं 2-3 मील के फासले पे रहता हूँ। मेरा यहाँ बहुत बड़ा स्टोर है, मैं रोज यहाँ टहलने के लिए आता हूँ, अक्सर आपको देखता हूँ यहाँ पर। आप यहाँ की लड़की से बहुत मुख्तलिफ हैं, मेरा मतलब सुलझी हुई अच्छे खानदान की लगती हैं। मैं चलती हूँ। मेरा स्टोर पर काम करने के लिए एक लड़की की जरूरत है, और सैलरी भी उसकी बहुत अच्छी है, और मैं चाहता भी हूँ कोई अच्छी लड़की तमीज़दार काम करे। मैं कुछ दिन को आई हूँ। तो क्या हुआ, कुछ दिन ही कर लीजिए। सॉरी। आपको भी ये जगह अच्छी लगती है, तभी आप रोज यहाँ घूमने जाती हैं। मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, जब भी मौका मिलता है मैं यहाँ आ जाता हूँ। आजकल तो मैं रोज ही आने लगा हूँ। जी। यहाँ कुछ तारीखी जगह भी हैं, अगर आप कल आए तो मैं आपको दिखाऊंगा, मुझे खुशी होगी। I'm sorry. रास्ते में कहीं खो गई थी या कहीं
जिन भूत मिल गए थे रास्ते में कोई? नहीं। कहाँ गई थी, कहाँ गई थी? जेवर के घर गई थी, सबक की शादी के कपड़े तैयार कर रहे थे। तो कपड़े क्या बहुत डरावने थे? नहीं नहीं, वापसी में यूं ही जंगल की तरफ घूमने चले गई। वहाँ एक आदमी मिला था, नाम था उसका बशीर। जब भी मिलता है देखता रहता है। आज तो वो बातें करने लगा। तो इसमें डरने वाली क्या बात है? अच्छा नहीं लगता मुझे। अच्छा नहीं लगा? आपको कोई अच्छा भी लगता है या सब बुरे लगते हैं? नहीं, सब बुरे तो नहीं लगते। थैंक गॉड। एक बात मानिए मेरी, आप खुश रहा करें। किस लिए? किस लिए? ओ गॉड, इसलिए कि आपको जिंदगी मिली है। अल्लाह ने आपको खुश शक्ल बनाया है। आप बोल सकती हैं, सुन सकती हैं, देख सकती हैं, चल फिर सकती हैं, इसलिए। जी। अब ऐसा क्या हुआ जिसने आपको डिस्टर्ब किया? क्या ज़ेबा के घर में किसी ने कुछ कहा? नहीं नहीं, वो लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। क्या मतलब है, हम लोग बुरे हैं क्या? आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। ओह ग्रेट। मेरा ख्याल है कि ये बात आप मॉम को बताइएगा कि आपने मुझे भी अच्छा कहा है। दरअसल मेरे बारे में उनकी राय इतनी अच्छी नहीं है। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अरे नहीं, मैं आपका मजाक क्यों उड़ाऊंगा, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि आपसे दोस्ती कर ली जाए। क्यों? क्यों? आइए मैं बताता हूँ। देखें, जब तक आप यहाँ हैं, दुश्मनों की तरह रहने से बेहतर है कि हम दोस्तों की तरह रहें, राइट? दुश्मन तो नहीं है। तो फिर दोस्त हुए, राइट? आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप खुश रहा करें। अब देखें ना मुझे, मैं तो वैसे ही खुश रहता हूँ। मसलन आसमान को देख करके, कितना नीला और इतना ब्राइट रंग है इसका। इस पर ये बादल, वाह, लुक एट देम, गॉड, सो ब्यूटीफुल। इतने मुख्तलिफ रंगों के ये दरख्त हैं, और यू नो अभी तक कितने कितने खूबसूरत रंगों के फूल खिलते हैं। ना ये झील का पानी, इसमें रोशनी के कितने सारे रंग नजर आते हैं। अभी तक धनक निकलती है और अभी तक चांद निकलता है। क्या ये सारी बातें आपको खुशी नहीं देती क्या? मम्मी, ये कौन है? ये तुम्हारी पप्पो हैं। पप्पो मतलब? योर फादर सिस्टर। ये तो बाबा की है, इन्हें मैं पहचानती हूँ। हाँ, तुम्हारी बाबा की एक ही बहन है, आलिया, ये उन्हीं की तस्वीर है। मम्मी, कितनी अजीब बात है, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और आपने आज तक मुझे ये सवाल करने की इजाजत नहीं दी कि बाबा को क्या हुआ था, उनकी डेथ कैसे? नो नो ईशा, तुम्हारे पापा जिंदा हैं। व्हाट? Thank you.